हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 19 मई और 19 मई को होता है बर्थडे किसका, इनका। तो हैप्पी बर्थडे, एंड हम इनको सरप्राइज़ दिए हैं। सरप्राइज़ क्या है मैं आपको दिखाते हैं, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा मोटा ऐसे ही, मतलब छोटा सा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो देखिए जी, सरप्राइज़ ये है कि हम इनके लिए केक लेके आए हैं और ये लेके आए हैं। तो अभी केक कट करने के लिए हमने बोला है, मतलब अभी थोड़ी तैयारी वैयारी करेंगे। तैयारी क्या, जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे, बस केक निकालते हैं। निकालिए केक। केक कहाँ से लेकर आए हो? केक मॉल से लेकर आए थे, मतलब गए थे दूर पैदल पैदल चल के। इधर ही साइड लोकल नहीं, ये देखो। और ये है मैंगो फ्लेवर वाला केक। तो ये है केक और इसके ऊपर हमने नाम लिखवा दिया है सनी। जिंदगी में छोटी छोटी खुशी होती है, दुख तो जिंदगी भर भरा रहता है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो बहुत दिन के बाद आज इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन खुशी नहीं है। तो जी, हमारा पूरा सेटअप आ गया है बालकनी में। काहे कि हम सोच रहे थे कि बाहर की हवा आए, अंदर ज़्यादा अच्छा है, गर्मी ना लगे, और बाहर इधर बालकनी से पूरा व्यू दिखेगा तो अच्छा भी लगेगा। तो ये छोटे वाले बैठने वाले पे हमने केक रख दिया, हम ऐसे बैठ गए, ये ऐसे बैठ गए। ऐसा कभी देखे हो बर्थडे सेलिब्रेशन? लेकिन अभी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसकी वजह से काम बढ़ जाएगा ना। हाँ, इसकी ये जो है ना, इसको ऐसे कैसे ऐसे घुमाना है ना। हाँ, तो ये अंदर रहता तो पूरा गंदा हो जाता है, इसीलिए हम लोग बाहर इसको कर लिए हैं। और एक चीज और, जिंदगी में तो हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन हम फिर भी इनको कोशिश करते हैं खुश करने की, छोटा छोटा सरप्राइज देके, लेकिन ये हमको कभी नहीं देते हैं। खैर, आज शिकायत नहीं करेंगे, चलिए ठीक है। इसमें भी लगाइएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, अभी देखिए थैंक यू। इसको कब फोड़ना? इसको मोमबत्ती निकालना। हमारा जो कैंडल था वो जल गया, बुझ गया, अब केक काटने की बारी है। तो अरे दगेगा कैसे? देखो देखो, गजब बेइज्जती। अरे बताओ ना, हैप्पी बर्थडे। ये केक तो बहुत सॉफ्ट है। तेज घुमाओ ना इसे पूरा, दो उधर। हाँ, घुमाओ तेज तेज घुमाओ। अरे तुम उल्टा घुमा दिया क्या? घुमाओ घुमाओ घुमाओ। अरे लड़की कुछ घुमा ना। पूरा दूसरे के नहीं, रुको रुको, नहीं, नहीं। हम खिलाएंगे। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तो भाई पिछले वाले बर्थडे में हम लोग घर पे थे, सब लोग साथ में थे, बैठ जाते हैं शिवानी, सौरभ, मम्मी, पापा, सब लोग। इस बार हम लोग अकेले हैं। सबको मिस भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी घर जाएंगे। चलो अच्छा रो लेते हैं थोड़ा सा, आ जाओ। तो गाइस, केक कट हो गया है और केक खा लिया हमने, इन्होंने भी खा लिया है, और पूरा बालकनी में एकदम गंदा हो गया। वैसे हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, थैंक यू, लेकिन मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि पिछले साल घर पे थे और इस साल अकेले हैं। अकेले हैं और शायद मेरे घर वालों को याद भी नहीं है कि आज के दिन में पैदा हुआ था, शायद मेरे को लग रहा है ऐसा। किसी ने विश नहीं किया? किसी ने विश नहीं किया, मैंने विश किया। दुनिया बदल गई है। घर वाले ऐसा नहीं है, घर वाले नहीं, ठीक है, टेंशन इतना रहता है। हम भी हैं भाई, हमारी भी मम्मी को याद नहीं रहता कि हमारा बर्थडे है। पापा को थोड़ा बहुत याद रहता है क्योंकि पापा सोशल मीडिया पे रहते हैं और मम्मी को दीदी दीदी ही बताती हैं ज्यादातर। तो जब भी हमको मम्मी पूछती हैं, दीदी बताती हैं उनको, दीदी हैं, दीदी को याद रहता है, वंश को भी याद रहता है। वैसे आपके यहाँ भी है तो खैर कोई बात नहीं, हम इतना नहीं है, वो तो पेरेंट्स मतलब जो होते हैं वो तो अब क्या ही बोलें, वो तो इतना बड़ा कर दिए हैं। नहीं मतलब मुझे ये सब चीजें ज्यादा अच्छी नहीं लगती। होता ना कि जब सब साथ में हो, एक साथ बैठे हो, तब कोई चीजें सेलिब्रेट करने में मजा आती है।
अब कोई अगर अकेला हो कहीं पे तो मजा नहीं आता वो चीजें अपना। खैर कोई बात नहीं गाइस, बाकी एक एक कौन खाएगा ये? हम लोग अभी क्या बोलते हैं नीचे जाएंगे और कुछ लोगों को केक वो बांट देंगे और जो हमारे फ्रेंड वगैरह हैं उनके यहाँ भी दे देंगे। तो हमारे हाथ में लग गया था केक इसीलिए हम हाथ धुलने आए हैं। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं बालकनी में कितना गंदा है। हमने बालकनी में उसको जो क्रैकर था उसको फोड़ा, उसके बाद भी देखो यहाँ तक अंदर आ गया क्योंकि हवा चल रही। और इधर देखो ये यहाँ से पूरा मेरे पौधों वो तो सब में चला गया। अब मुझे कल सुबह सुबह जल्दी उठ के फिर से मेहनत करना पड़ेगा तो ढेर सारा, तब ये सफाई होगी। और हमारे नीचे वाले जो पड़ोसी उनके यहाँ चला गया होगा, कल वो कंप्लेन ना डाल दे। तो गाइज अभी हम चल रहे हैं बाहर क्योंकि नीचे भागवत हो रहा है, तो देखते हैं खत्म हो गया कि अभी चल रहा है, थोड़ी देर वहां पे बैठेंगे। उसके बाद आज संडे मार्केट भी है तो सब्जियां तो वैसे नहीं लेना क्योंकि सब रखा है, लेकिन एक दो चीजें लेनी है तो वो लेके आ जाएंगे। ये देखो जी संडे मार्केट लगा हुआ है और 10 बज गया अभी भी दुकानें लगी हैं। चलो चलते हैं। ये देखो गाइज यहीं पे हो रहा था भागवत, खत्म हो गया है। अब हम जा रहे हैं बाहर संडे मार्केट। वो इस्कॉन टेंपल वाले आ ना, वो हर महीने 2 महीने 15 दिन पे ऐसे होता रहता है। तो भाई ये मतलब वो क्या है कि अपने खर्चे बुलाए थे इस्कॉन टेंपल वाले को, शायद पैसा नहीं देता ना, पता नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन ये बहुत अच्छा है क्योंकि इंसान को ना कुछ कुछ टाइम पे अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए करना चाहिए। तो जो यहाँ पे होता है ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक्टिविटीज़ क्रिएटिव चीज़ें और बहुत कुछ जो कि बहुत अच्छा लगता है। मार्केट साथ ख़त्म हो गई, अभी ख़त्म हो गई लेकिन अभी भी मार्केट लगी जो है। बचा कुचा रहेगा तुमको वही मिलेगा, कोई बात नहीं सस्ता मिल जाएगा। सस्ता कुछ नहीं मिलेगा, वही ख़राब मिलेगा जो छटा हुआ माल रहेगा। कोई बात नहीं आज हम छटा माल खरीद के लेके जाएंगे। देखो रात के 10:30 बज चुके हैं और अभी संडे मार्केट में लोग तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन मार्केट सब दिख रही है, मतलब लोग हैं उतने कम लोग नहीं हैं लेकिन फिर भी उतना भीड़ नहीं है जितना कि हम 8-9 बजे आते हैं तब रहता है। अब शायद सब्जी सस्ती मिल जाए। पूछो नींबू कितने कितना दे रहे हैं, ले ले पैसे लाए मिलेगा। तो गाइज हमने लिया है नींबू, 20 रुपया काट दे रहे थे। हमने बोला भैया आप दुकान लेके चले जाओगे 9 दे दो, बोले ले लो। कंचन 20 रुपए का 4 देते हैं ना, 4 या 5 देते हैं। अभी शाम को जाना होगा ना इसलिए। हाँ रात में सस्ता हो जाता है इसीलिए रात में सब्जी खरीदो। ये देखो आंटी दुकान समेट ली है, चूड़ी की दुकान है इधर, ये पानी पूरी इधर, मैंगो जूस और उधर जाना सही है, यहाँ से वहाँ तक पूरी मार्केट लगी है। देखो देखो सब कुत्ते इकट्ठा होके यहाँ लड़ रहे हैं। वैसे तो इंसान सारे लोग यहाँ बैठते हैं हवा खाने के लिए लेकिन अभी इस टाइम में बोल रहा है भाग भाग भाग। डॉगी है ना काला वाला डॉगी, पालतू डॉगी, उसको भेज रहे हैं ये लोग। हाँ ये लोग बोल रहे हैं मेरे एरिया में क्यों आया, चल निकल यहाँ से। अरे वो गया, चुप हो जाओ। तो गए सामान वामान खरीद के मार्केट घूम के आ गए हैं घर, मतलब अभी घर पहुंचे नहीं है लिफ्ट में। ये देखो और लेने क्या गए थे, बस घूमने गए थे लेकिन नींबू ले लिए क्योंकि नींबू सही लग रहा था और गर्मी आ गई तो नींबू पानी पीना जरूरी रहता है, मतलब डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। हाँ बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा। अगर घर पे रहो तो थोड़ा सा कम लगता है, बाहर निकलो तो ऐसा आग चिपकता है, और दिन में तो और ज़्यादा रहता है लेकिन रात में जाओ थोड़ा कम रहता है। और आज इधर मतलब मार्केट था इसकी वजह से ज़्यादा गर्मी लग रहा था, नहीं तो बाहर जाओ तो बढ़िया ठंडा ठंडा हवा लगता है। और मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है कि हम क्या ही बताएं, एकदम फट रहा है। आप लोग बोल रहे हो ना कि आप पहले से काफ़ी मतलब दुबले हो गए हो या ऐसा कुछ करके, तो पता नहीं यार बहुत ज़्यादा मेरा सर दर्द करता है। और पहले जब हम मुंबई में थे तब हमको यहाँ का पानी बहुत अच्छे सूट करता था, अभी पता नहीं ऐसा लग रहा पानी नहीं सूट कर रहा या फिर क्या है समझ में नहीं आ रहा। खैर जो भी है सब ठीक है, अभी फिलहाल घर आ गए, खाना पीना सब हो चुका है, अब हम चल रहे हैं सोने के लिए। तो अपना व्लॉग यहीं पेंट करते हैं। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वाला हबी का स्पेशल बर्थडे वाला व्लॉग? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमारे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में, और हाँ अब डेली व्लॉग आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।